दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और मौत के व्यापारी। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है इंस्पेक्टर मनोज और कातिल हवा। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। इंस्पेक्टर मनोज का फोल्डर है उसके अंदर। तो पढ़ते हैं इसको आगे से। चलो हवलदार वीर बहादुर उनका पीछा करते हैं। एक बार इन अपराधियों के सदर मुकाम तक पहुंच गए तो कातिल हवा के बहुत से रहस्य उजागर हो जाएंगे। वेरी वैगन्स, पिछली वैगन का ड्राइवर जीवन, रियर व्यू मिरर में पुलिस जीप पर नजर पड़ते ही चौंक उठा वो पुलिस जीप। अगले पल उसने स्पीड बढ़ा दी और आगे जारी वैगन के समानांतर ले आया। मोड़ पर तुम वैगन को दाई ओर घुमा लेना, हम यहाँ रुक कर पीछा कर रहे पुलिस वालों का हालचाल पूछेंगे। इस दौरान तुम बाघों को लेकर सुरक्षित निकल जाओगे। अच्छी बात है। मोड़ पर पहुंचकर G2 की वैगन दाई मुड़कर आगे बढ़ गई, जबकि जीवन ने अपनी वैगन सड़क के ढलान पर उतार कर पेड़ों के झुरमुट में छिपा दी। दूर दूर तक सड़क सुनसान दिखाई दे रही थी। जीप वहां आई। धोखा, अरे दोनों वैगन कहां गायब हो गई, उधर पेड़ों के झुरमुटों के बीच। अरे इंस्पेक्टर मनोज, अब इसका किसान निपटाना ही होगा वरना। इंस्पेक्टर मनोज की छठी इंद्री सचेत थी। खतरे की गंध महसूस हो रही है, आसपास कोई अवश्य ही घात लगाए बैठा है। तभी बचो हवलदार, पहले तुम तो बचाओ इंस्पेक्टर भिशुम, पीछे से हमला करते हो बेसम कहके लुटकोप मेरे साथ साथ। इंस्पेक्टर मनोज पर पहला बार धोखे से हुआ था इसलिए वह मात खा गया था। ओह, लेकिन सिगरी वह संभला और तुमने धोखे से हमला किया क्योंकि मेरे बारे में तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा तुम्हें भी। आह, कुछ ही मिनटों में। अब बोलो प्यारे, यह सब क्या गड़बड़ घोटाला है। मादा हवा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम हमसे टकराकर बेमौत मरोगे। हा हा, यहाँ जीने की तमन्ना ही किसे है, बस छोटी सी आरजू है उस मादाम कातिल हवा के दर्शन करने हैं। बताओ कहाँ है वह, शेरों का अपहरण क्यों किया गया, बस किस प्रकार उड़ाई गई, और अब बाघों का अपहरण क्यों। एक सांस में कहते जाओ सब कुछ, वरना कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर। मेरे साथियों छोड़ दो इंस्पेक्टर, वरना इस हवलदार की खोपड़ी में रंगीन सुराख बन जाएगा। इस बातचीत के दौरान बस एक क्षण का मौका मिला था हवलदार वीर बहादुर को, जिसका उसने फायदा उठाया। एक राजपूत की खोपड़ी में सुराख बनाना आसान नहीं होता बेटा। आह हाँ, तो अब रिकॉर्ड की तरह बजना शुरू हो जाओ। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो बस आदेश मिलते हैं और हम उनका पालन करते चले जाते हैं। हवलदार इनकी गठरी बांधकर जीप में डाल दो, ये टॉर्चर रूम में ही जुबान खोलेंगे। हमारा यकीन करो हम सच कह रहे हैं, यकीन तो मैं तुम्हारे बाप का भी ना करूं। तभी बाप रे, वही विशाल शैतान पक्षी आहवे में लेने आ गए हैं, तेज दौड़ो। और जैसे तीनों उन पक्षियों के ठीक नीचे पहुंचे, वे इस प्रकार हवा में उठे मानो पक्षियों से कोई अदृश्य रस्सी लटकी हो जिसे पकड़कर उड़ रहे हो। वे भाग रहे हैं हवलदार, पकड़ो उन्हें। नहीं रुक जाइए सर, शैतानी पक्षियों की ओर न दौड़िए, उधर खतरा है, रुक जाइए। पर मैंने किसी भी कीमत पर भागने नहीं दूंगा। और छोड़ दो इंस्पेक्टर, वरना बहुत ऊंचाई से गिरोगे। गिरा दो तू, मैं भी लेकर गिरूंगा। शिगरी वे आंखों से उज्जवल हो गए, अब चलूं। अचानक जीवन की चीख सुनने में गूंज उठी। आह, उफ, वही हुआ जिसका डर था, मगर सौभाग्य से। अपने होश दुरुस्त कर जीवन बड़ी तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा, लेकिन जैसे वह तालाब से बाहर निकला, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह, लेकिन जीवन ने इंस्पेक्टर मनोज की चेतावनी पर ध्यान न देकर भागना चाहा और परिणाम स्वरूप धाए। बहुत वाय यह चूहे बिल्ली का खेल, आखिरी चेतावनी देता हूं, सब कुछ सच सच बता बयान कर दो अथवा मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें से कोई भी कातिल हवा के बारे में कुछ नहीं जानता, हमें तो बस आदेश मिलते हैं और हम उन आदेशों की तामील करते चले जाते हैं। यकीन करो इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छी बात है, यकीन कर लेता हूँ, लेकिन इतना तो बता ही सकते हो कि बाघों को चुरा कर कहाँ लिए जा रहे थे, तुम्हारा मुख्य अड्डा कहाँ है। परंतु इससे पहले कि जीवन कुछ कह पाता, धोए ओह, मनोज को भी संभलने का अवसर नहीं मिला। रिवॉल्वर फेंक कर बिना हिले अपने हाथ उठा लो इंस्पेक्टर,
हम तो कातिल हवा के और भी गुड़ गए यहाँ आ पहुंचे। चलो यह भी अच्छा हुआ, तुमने अपने साथी को क्यों मार डाला? गद्दारी की सजा हमारे संगठन में मौत है। वह हमारे संगठन के साथ गद्दारी करने जा रहा था। तुम मादम हवा के अड्डे तक पहुंचने के लिए बहुत उतावले थे ना इंस्पेक्टर, चलो अब हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन चुपचाप चलते रहना इंस्पेक्टर, कोई हरकत करने से पहले ध्यान कर लेना कि 3 गनों का निशाना तुम्हारी खोपड़ी पर है। उचित भी यही, आखिर मुझे कातिल हवा के दर्शन जो करने हैं। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात वे एक बहुत बड़ी पहाड़ी गुफा के बंद द्वार के सामने पहुंचकर रुके। फुल जासिम सिंह, बहुत खूब, अली बाबा 40 चोर की कहानी जैसी तिलिस्मी है यह गुफा। तभी खट खट खट, भीतर चलो। भीतर प्रविष्ट होने पर पर्वतों के गर्भ में इस प्रकार का निर्माण आश्चर्यजनक है। पूरी नगरी आबाद है, बिल्कुल तिलिस्मी नगरी की तरह। बहुत से गलियारे व कमरे पार करके वे लोग मनोज को एक बहुत ही बड़े व सुसज्जित हॉल में ले आए। यह स्थान किसी राज दरबार जैसा था। एक विशाल बहुमूल्य सिंहासन पर खौफनाक चेहरे वाला एक व्यक्ति बैठा था। हा हा हा, वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर मनोज, मौत का राजा तुम्हारा स्वागत करता है। मौत का राजा? हा हा, मौत का राजा यानी यमराज? खामोश गुस्ताख, यह मौत का दरबार है, हमेशा मौत का सन्नाटा छाया रहता है, कोई कहका नहीं लगा सकता यहाँ, समझे? मिस्टर मौत के राजा, मुझे यहाँ कातिल हवा के दर्शनों के लिए लाया गया था, न कि तुम्हारी मनुष्य सूरत देखने के लिए। मेरी समझ में तभी कुछ आएगा जब मेरी मुलाकात कातिल हवा से करवाई जाएगी, इससे पहले कुछ भी नहीं। खामोश, मादाम हवा का नाम अदब से लो इंस्पेक्टर, मादाम की मेहरबानी से ही तुम अब तक जिंदा हो, वरना। अचानक के एक व्यक्ति वहां आया। राजन, कहो। राजन, अमेरिका का ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया, किसी ने स्कूली बस का अपहरण करना होगा। इस समय अतिथि गृह में कक्ष में कनाडा से एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। मादाम हवा का आदेश है कि आप प्रतिनिधि मंडल से व्यापारिक समझौता कर ले और इंस्पेक्टर मनोज को अगला आदेश मिलने तक कैद कर दिया जाए। अमेरिका का ऑर्डर स्कूली बस के अपहरण से उसका क्या संबंध हो सकता है? कनाडा से प्रतिनिधि मंडल से किस प्रकार का समझौता करेंगे यह लोग? समझ में नहीं आता कि यह लोग किस प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं। सैनिकों, इंस्पेक्टर मनोज को कैद खाने में डाल दो। और सुनो, अगर यह इंस्पेक्टर जरा भी होशियारी दिखाने की चेष्टा करे तो उसे भूखे शेरों के पिंजरे में डाल देना। जो आ गया राजन। सैनिक मनोज को लेकर एक तरफ चल पड़े। कदाचित राजा ने उन्हीं शेरों का जिक्र किया है जिन्हें चिड़ियाघर से चुराया गया है। अपहरण बच्चे भी कदाचित यही रखे गए होंगे, मगर क्यों, किस मकसद से? अमेरिका के ऑर्डर से बच्चों का क्या संबंध हो सकता है? वो कितना विचित्र है यह सब। इंस्पेक्टर मनोज ने निर्विरोध शव को कैद हो जाने दिया। राजन की चेतावनी याद है ना इंस्पेक्टर? जरा सी भी चालाकी दिखाई तो भूखे शेरों का आहार बना दिए जाओगे। इंस्पेक्टर मनोज का मस्तिष्क तेजी से क्रियाशील उठा। उसके मस्तिष्क में ढेरों प्रश्न थे, मगर किसी का संतोषजनक उत्तर उसके पास मौजूद नहीं था। विचित्र पक्षी, कातिल हवा, बच्चों व शेरों का अपहरण, यह रहस्यमय जादू नगरी, अमेरिका का ऑर्डर आदि अनेकानेक रहस्यपूर्ण प्रश्न थे जो उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं में घर किए बैठे थे। वह रहस्य के हर पर्दे को उठाने का दृढ़ संकल्प किए था और इसी उद्देश्य हेतु गंभीरता से विचार मगन था कि तभी उसे कैद खाने के बारे में शोर सा सुनाई दिया। अरे भाई, इस तरह क्यों घसीटे रहे हो? चल तो रहा हूं, यह शोर कैसा है? अरे हवलदार वीर बहादुर सिंह की आवाज। लो इंस्पेक्टर, तुम्हारा चमचा भी आ गया। यह चमनगढ़ की पहाड़ियों पर हमारी जासूसी कर रहा था, हमारे आदमी से पकड़ लाए। फिर सैनिकों ने वीर बहादुर को भी कैद खाने में बंद कर दिया और लौट गए। सर, आपको भी यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वह कहते हैं कि एक से दो भले होते हैं। सत्यानाश, तुम्हें यहाँ आकर मरने को किसने कहा था? आप मुझे डांट रहे हैं सर, जबकि मैं तो समझा था कि मुझे यहाँ देखकर आप खुशी से फूले न समाएंगे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया तुमने जो मैं खुशी से फूला न समाऊं? ओह, तो क्या आपको अभी भी मेरी कर्तव्य प्राणता पर गर्व महसूस नहीं हो रहा सर? कैसी कर्तव्य प्राणता? नहीं कि आपने बॉस को संकट में फंसा देकर उनके असिस्टेंट से रहने गया और वह अपने बॉस को छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगाकर या मौत के मुंह में आ फंसा। ओह, तो तुम मुझे यहाँ से आजाद करवाने आए हो और क्या सर?
बेवकूफ हो तुम, बाहर आकर तुम मेरी ज्यादा मदद कर सकते थे, फिर मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। अब मैं यहाँ अपने मिशन को अंजाम दूंगा या तुम्हारी फिक्र करूंगा। मैं तो आपके काम में सहायता करने आया हूँ सर, इस कैदखाने में बंद होकर क्या खास सहायता करोगे मेरी? आप देखना तो सही सर, मेरा नाम वीर बहादुर है, अच्छे अच्छे वीरों को बहादुरी से धूल चटा चुका हूँ। तभी सैनिक वहां आए और हवलदार वीर बहादुर को जबरदस्ती बाहर निकाल कर ले जाने लगे। क्या बात है भाई साहब, मुझे आजाद किया जा रहा है क्या? तुम्हारी ऐसी सूरत कहाँ? फिलहाल तो मादाम हवा के आदेश पर तुम्हें दूसरे कैदखाने में डाला जा रहा है, क्योंकि तुम दोनों मिलकर कोई घपला कर सकते हो। तुम्हारी मादाम हमें अपना मुखड़ा क्यों नहीं दिखाती? जब तक तुम्हें मुखड़ा उनका मुखड़ा नहीं दिखा तभी तक तुम जीवित हो। वैसे तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, फिलहाल तो मादम बहुत व्यस्त है। हवलदार वीर बहादुर को इंस्पेक्टर मनोज के सामने बने एक अन्य कैदखाने में डाल दिया गया। इस कैदखाने से बाहर निकले बिना अपने काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता, मगर यह दो सैनिक अचानक इंस्पेक्टर मनोज ने अपने मुंह से कोयल की आवाज निकाली। इस हरकत पर सैनिक चौंकना हुआ। क्या बात है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, बस वैसे ही मन बहला रहा था। तभी मनोज ने फिर से मुंह से कोयल की आवाज निकाली। मगर वास्तव में बात कुछ और ही थी। यह एक प्रकार की गुप्त संकेतिक भाषा थी जिसे हवलदार वीर बहादुर बखूबी समझता था। वो इंस्पेक्टर मनोज कह रहे हैं कि मैं सैनिकों को बातों में लगाकर उनका ध्यान उनकी ओर से हटा दूं। अगले पल ची ची चू, वाह हवलदार, तुम भी चिड़िया की बोली हूबहू बोल लेते हो। क्या पुलिस ट्रेनिंग में तुम्हें पक्षियों की बोली बोलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है? वाह वीर बहादुर, मेरा इशारा समझ गया, लेकिन दूसरे सैनिकों को कुछ शक सा हो गया। रहीम, यह दोनों बहुत चालाक आदमी है, जरूर हमें घिसा लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। भला इस प्रकार पक्षियों की बोली बोलने की क्या तुक हो सकती है? हूँ ठीक है तो राम तुम और अगर तुम दोनों में से कोई भी किसी तरह की बोली बोला तो गोली मार दूंगा। मगर अब यह चेतावनी निरर्थक थी। दोनों ने अपने अपने संकेत एक दूसरे को भेज दिए थे। तभी वीर बहादुर ने अपना काम आरंभ किया। सैनिक जी, आप एक गोली से कितने आदमी मार सकते हैं? एक गोली से ज्यादा एक। क्यों? बड़े कच्चे सैनिक हो तुम। मेरे दादाजी तो एक से दस दस मार दिया करते थे। बकवास, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? बकवास कह रहे हो, आजकल के लोग सच्ची बात पर तो यकीन ही नहीं करते। जनाब, एक गोली से पांच सातों में ही मार गिराता हूं। तभी दूसरा सैनिक भी करीब आ गया। क्या बात है राम, महाशय की बात सुनो। कहते हैं इनके दादा जान एक गोली से दस को मार गिराते थे, पांच सातों एमईए भी मार डालते हैं। इधर दूसरे सैनिक के हटते ही इंस्पेक्टर मनोज ने अपना काम आरंभ कर दिया था। जबकि उधर यह मूंग और मसूर की दाल क्यों मिया बेवकूफ बनाने को? क्या हम ही मिले थे आपको बेवकूफ बनाकर? क्या मुझे जलेबियां मिलेंगी? यकीन न हो तो तुम पांच सात लोग इकट्ठे कर लो और बंदूक मेरे हाथ में दे दो, फिर देखो कि मैं क्या कमाल दिखाता हूँ निशानेबाजी का। दोनों इस कदर हवलदार की बातों में खो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चल सका कि इंस्पेक्टर मनोज कब आजाद होकर वहां आ दमका। और शीघ्र ही दोनों सैनिक बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गए। उनके लुढ़कते ही इंस्पेक्टर मनोज ने वीर बहादुर को बाहर निकाल दिया। वह सर, मान गया आपको, और आपको भी मानना पड़ेगा कि मैंने किस प्रकार इन दो घनचक्रों को चक्कर में डाला। सचमुच पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले तुम भी। थोड़ी देर बाद हवलदार वीर बहादुर और इंस्पेक्टर मनोज के बदन पर सैनिकों की वर्दियां थी और वास्तविक सैनिक उनके भेष में कैदखाने में बंद थे। सुनो, तुम यहाँ पहरे पर रहोगे और जरा भी खतरा दिखाई देने पर ऊंचे स्वर में चिड़िया की बोली रूपी संकेतिक भाषा में मुझे आगाह कर देना। अच्छी बात है, मगर आप कहाँ जा रहे हैं सर? अपहरण बच्चों का पता लगाने। अच्छा, सावधान। ओके सर। इंस्पेक्टर मनोज सतर्कता से भी भिन्न कक्ष देखता गया। मार्ग में उसे अपनी तिरकी वर्दी पहने और भी बहुत से सैनिक मिले, मगर किसी ने उसको देखकर नोटिस नहीं किया। कदाचित वे सैनिक वर्दी और परफेक्ट मेकअप के कारण धोखा खा गए थे। इस ओर के तो तमाम कमरे देख डाले, बच्चे कहीं नहीं मिले। उन गलियारों को पार कर उस ओर जाना होगा। परंतु जैसे उसने कदम आगे बढ़ाए, अरे शेर,
मुझे पिंजरे के करीब से गुजरता देख वे अवश्य ही घुराएंगे, मगर उस ओर जाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, बस यही एक संकरा सा गलियारा है। शेर बाघ घुराने लगे, बर तभी हा। इंस्पेक्टर मनोज ने पलट कर देखा तो पाया कि उसी सतीदी पर हंसने वाला उसी की तरह की वर्दी पहने एक अन्य सैनिक था। तुम? हाँ मैं। तुम तो इस समय शेरों से बॉर्डर रहे हो राम, जबकि शेरों का पिंजरा खोलकर तुम इन्हें खुराक तो तुम बड़ी दिलेरी से डाला करते हो। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, राजन ने कहा कि शेरों को खुराक डाल दो। इंस्पेक्टर मनोज बहुत सावधानी से काम ले रहा था। वह अपने चेहरे को कैप से इस हद तक छुपाए हुए था कि आसानी से पहचाना न जा सके, और आवाज बदलने में तो उसे कमाल हासिल था। इस समय वह ठीक राम नामक सैनिक की आवाज में बात कर रहा था। और ठीक आओ चलो, तुम्हारे कैदी का क्या हाल है? वह इंस्पेक्टर फिलहाल तो ठीक है। वे एक ऐसे कमरे तक पहुंचे जहां से बड़ी अजीब बदबू आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, यह क्या बाप रे, कहीं यह यंग अंग अपहरण बच्चों के तो नहीं? वो बच्चों का अपहरण कर उन्हें इस तरह प्रकार कत्ल कर दिया गया, मगर क्यों, किस लिए? बच्चों के कत्ल से इन्हें क्या हासिल हुआ होगा? कितना घिनौना करता है। अचानक इंस्पेक्टर मनोज ने उस बेहोश सैनिक को बच्चों के अंगों के ढेर में छिपा दिया। तभी एक दूसरा सैनिक जो कमरे के बाहर से गुजर रहा था बोला, राम तुम्हें जानवरों के लिए जो कुछ लेना है वह लो, और दरवाजा बंद करो, बदबू से जी घबराता है। ठीक है, वो तो शेरों का अपहरण इसी कार्य हेतु किया गया है कि बच्चों की लाशों को बाहर फेंकने का खतरा उठाने की अपेक्षा भीतर ही शेरों को खिलाकर किस्सा खत्म कर दिया जाए। कहीं बच्चों के हत्या के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रयोग तो नहीं? इंस्पेक्टर मनोज दरवाजा बंद करके बाहर आया। थोड़ी दूर जाने के बाद, प्रयोगशाला यहाँ देखो। ओ, अब समझ में आ रहा है इनका घिनौना षड्यंत्र। बच्चों का अपहरण कर उनके शरीर के दुर्लभ इंसानी अंग निकालकर उन्हें विदेशों में भेजा जाता है। वो कितना घिनौना कृत्य कर रहे हैं यह लोग, इंसानी जिस्म के महत्वपूर्ण दुर्लभ अंगों की स्मगलिंग। इन पापियों का अंत करना ही होगा। अमेरिका, दिल व आंखें, गुर्दे, दिल व फेफड़े, फेफड़े व आंखें, जापान, फ्रांस। तभी डॉक्टर जोसेफ, कितने बच्चे शेष रह गए जिनका ऑपरेशन शेष है? 15, उनके साथी तो अध्यापिकाएं भी हैं। वो तो इन पापियों ने 34 बच्चों की हत्या कर डाली और एक की हत्या की तैयारी कर रहे हैं। तुम जाओ और चिल्ड्रन हाउस से शेष सभी बच्चों को ले आओ, क्यों ना उनका ऑपरेशन भी आज ही कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर, कब तक हम यूं ही मासूम लोगों की हत्या करते रहेंगे? हमारा फर्ज तो जान देना है, लेना नहीं। हम इंसान से हैवान कैसे बन गए डॉक्टर? अपने पापों के बारे में सोचता हूं तो रूह कांप उठती है। तुम भावुक हो रहे हो जोसेफ। भावुक न होने से भी सच्चाई नहीं बदलेगी डॉक्टर, और सच्चाई है कि हम हैवान बन चुके हैं। हम अनगिनत मासूमों के कत्ल कर चुके हैं। हमने इतने पाप किए हैं कि जो भी सजा मिले वह कम है। मुझे इस कड़ी हुई एवं घिनौनी सच्चाई का एहसास है जोसेफ, मगर हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो एक मशीन की तरह मादम हवा के कंट्रोल में है। हमें हर हाल में उनका हुक्म बजाना है, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। तुम ठीक है तो डॉक्टर, अंजाम का डर ही तो हमसे यह सब पाप करवाता है। हम उस नामुराद नशे के गुलाम है, और यह नशा हमें तब तक ही मिलता रहेगा जब तक हम मादम हवा का हुक्म बजाते रहेंगे, वरना नशा नहीं मिलने की पीड़ा से हम तड़पते रहेंगे। वो कितनी भयंकर पीड़ा होती है, वह कल्पना करता हूं तो सिर उठता हूं। इसलिए जाओ दोस्त, सभी बच्चों को ले आओ, शायद इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। वो तो ये डॉक्टर नशे के आती है और मजबूरी में ही यह पाप करते जा रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ वहां से निकला। उसे पता भी नहीं था कि इंस्पेक्टर मनोज उनका पीछा कर रहा है। बच्चों को यही रखा गया होगा भीतर। वे हमें फिर लेने आ गई दीदी, वे हमें भी हमारे साथियों की तरह मार डालेंगे। नहीं हरगिज नहीं, मैं अपने जीते जी इन मासूम बच्चों का कत्ल हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं परे हट, हटती है नहीं। आ, बच्चों को पकड़कर बाहर घसीट लाओ। नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे कैसे नहीं जाओगे, कौन बचाएगा तुम्हें? तभी इंस्पेक्टर मनोज के रहते अब किसी भी बच्चे की हत्या नहीं होगी राम जादो। मारो इन्हों,
मारो इन्हें, इन्होंने हमारे साथियों को मारा है। सभी एकजुट हो गए। फिर क्या था, कुछ ही देर में सैनिकों की गठरियां बांध दी गई। आपका हम किस प्रकार शुक्रिया अदा करें इंस्पेक्टर मनोज? बहन फिलहाल तो तुम इन बच्चों को संभालो, मैं बहुत सावधानी से काम लेना है। ऐसा न हो कि इनका शोर सुनकर नए गार्ड्स भी यहाँ आ धमके और हम फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएं। शायद अब मेरी बारी है, भाग निकलो। तुम कहाँ भागते हो डॉक्टर? डॉक्टर मैंने प्रयोगशाला में तुम्हारी बातें सुन ली थी। यदि वास्तव में तुम इस नरक से निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। आप सचमुच महान है इंस्पेक्टर, यह जानते हुए कि हम नरसंस हत्यारे हैं, आप हमारे साथ भी नरम व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम मजबूर हो। अगर तुम बच्चों और टीचर्स को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने में हमारी मदद करो तो मैं वायदा करता हूँ कानून की नजरों में तुम्हें बेगुनाह साबित कर दूंगा। बोलो डॉक्टर। मैं तैयार हूँ इंस्पेक्टर, वैसे मेरी भी एक योजना है। डॉक्टर अल्बर्ट भी हमारा साथ देंगे, मैं पहले जाकर उनको सब समझाता हूँ। थोड़ी देर बाद आप सब बच्चों व टीचर्स को लेकर प्रयोगशाला में आ जाइए, उनके लिए वह स्थान सुरक्षित है क्योंकि हमारे सिवा वहां कोई कदम नहीं रखता। आप उनके सैनिकों जैसी पोशाक पहने हैं इसलिए किसी को भी शक नहीं होगा। वहां से निकलने के लिए हमें रास्ता मालूम है। सुनो डॉक्टर, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो निश्चिंत रहे इंस्पेक्टर, हम दगाबाज नहीं है। हमें भी तो उस घिनौने काम से छुटकारा चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए यह मेरा रिवॉल्वर भी रखिए। और डॉक्टर जोसेफ डॉक्टर एल्बर्ट को समझाने चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चों को और टीचर्स को लेकर इंस्पेक्टर मनोज भी प्रयोगशाला में दाखिल हुआ। अब हम भी बागी हो चुके हैं इंस्पेक्टर, हमारी जान भी खतरे में रहेगी, अतः जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलने का प्रयास किया जाए तो अच्छा है। अच्छी बात है डॉक्टर, तुम तैयार हो, मैं भी कुछ आवश्यक काम निपटाकर पहुंचता हूँ। और मनोज चल पड़ा। मुजरिमों के उसी अड्डे के भीतर बने अतिथि कक्ष में तुम्हारा सौदा पक्का हुआ मिस्टर गिल। चीयर्स चीयर्स। मादम, हमारे माल में 50 दिल, 20 आंखें, 40 गुर्दे होने चाहिए, लेकिन ख्याल रहे सारा माल स्वस्थ बच्चों का होना चाहिए और हमें कुछ जवान लोगों के भी उपरोक्त अंग चाहिए। हम सौदे में कभी हेरा फेरी नहीं करते मिस्टर गिल, सभी इंसानी अंग एकदम स्वस्थ बच्चों के होंगे। फिर तो मादाम, दो स्कूली बच्चों की बसों का अपहरण और करवाना होगा और जवान व्यक्तियों के लिए भी किसी बस का ही अपहरण ठीक रहेगा क्योंकि हमारे उड़न शिकारी बस उड़ा लाने में काफी अभ्यस्त हो चुके हैं। जैसा दिल चाहे करो राजन, बस हमारे ऑर्डर ठीक समय पर तैयार रहे। वैसे भी अब हमारे लिए खतरे की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा खतरा हमारे रास्ते का रोड़ा इंस्पेक्टर मनोज हमारी कैद में है। उसे लालच देकर अपने संगठन में मिलाने का प्रयास किया जाएगा। अगर वह न माना तो उसे शरीर से भी दिल गुर्दे आंखें निकालकर शेष जिस्म को शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। अच्छी बात है माता, मैं कल ही अपने उड़न शिकारियों अर्थात गरुड़ों को बसों के अपहरण हेतु भेज दूंगा। फिर मीटिंग समाप्त हो गई और मेहमान लौटने लगे। आओ राजन, कंट्रोल रूम में से इंस्पेक्टर मनोज से बातचीत करते हैं। कंट्रोल रूम में, माता मवा, आप इंस्पेक्टर मनोज से आमने सामने बात क्यों नहीं करती? बेचारा ने जाने आपकी आवाज सुनकर आपके कौन कौन से कल्पना चित्र मस्तिष्क में बनाता होगा। न जाने क्यों मुझे इंस्पेक्टर मनोज को हैरान करने में आनंद आता है। अपने विश्व गरुड़ को बुलाओ। लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि इंस्पेक्टर मनोज उन पर शुरू से नजर रखे हुए है। बेवकूफ औरत ये यूं क्यों नहीं कहती कि इंस्पेक्टर मनोज का सामना करने का साहस ही नहीं है तुझमें? विश्व मेरे प्यारे गरुड़, कंट्रोल रूम में आओ। शीघ्र ही गरुड़ फड़फड़ाता हुआ कंट्रोल रूम में प्रविष्ट हुआ। राजन ने एक सूक्ष्म माइक्रोफोन उस विश्व नामक गरुड़ के पंचों के ऊपरी भाग से बांध दिया। लीजिए मादम, इस शक्तिशाली माइक्रोफोन से आप अपनी आवाज निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचा सकती है। हा हा हा, यानी कि अब मैं असली मादम हवा बन गई। वाह, तुम्हारी यह युक्ति मेरे बहुत काम आ रही है। गरुड़ राजा का आदेश पाकर मंजिल की ओर उड़ गया, लेकिन मादम हवा अब उसे स्क्रीन पर देख रही थी। देखो, अब मैं मादम हवा बनकर उड़ रही हूँ। हा हा हा।
जैसे गरुड़ इंस्पेक्टर मनोज से कैद खाने के आसपास मंडराने लगा, हवलदार की आवाज आने लगी। हा, इंस्पेक्टर मनोज, मैं कातिल लवा तुम्हारा इस कैद खाने में स्वागत करती हूँ। तुम सुन रहे हो ना इंस्पेक्टर मनोज, जागो इंस्पेक्टर, तो यही है वह कातिल लवा जिसका जिक्र इंस्पेक्टर मनोज ने किया था। जवाब दो इंस्पेक्टर मनोज, ओ तो तुम्हें इस कदर गहरी नींद आ रही है। इंस्पेक्टर मनोज तो सो रहा है, सैनिक को आदेश देती हूँ कि उसे जगा दे। सैनिक रहीम, इंस्पेक्टर मनोज को जगा दो, यह आदेश तो मेरे लिए है, लेकिन बोलने वाली है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं देती? जी अभी जगाता हूँ मैडम। बस यही चूक हो गई हवलदार वीर बहादुर से, वह अपनी आवाज न बदल सका और कंट्रोल रूम में बैठे राजन और मादम हवा उसकी आवाज सुनकर चौंक उठे। यह तो रेन की आवाज नहीं है, अवश्य कोई गड़बड़ है, लगता दूर से इंस्पेक्टर कोई चालाकी दिखा गया है। मुझसे गलती हुई जो उसे अब तक जीवित छोड़ा। खतरे का अलार्म बजा दो, सूचना प्रसारित करो कि इंस्पेक्टर मनोज को तुरंत खोजा जाए। तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला, इंस्पेक्टर मनोज को खोजने की कोई जरूरत नहीं है मादम, वह सेवा में हाजिर है। तुम अचानक राजन ने रिवॉल्वर निकालकर मनोज पर फायर करना चाहा, लेकिन धोए आ खबरदार राजन, कोई भी चालाकी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। सुनो मादम कातिल हवा, मैंने सब कुछ देखा सुन लिया है और मुझे मालूम हो चुका है तो हो चुका है तुम किस तरह अदृश्य रूप में मुझे संबंध स्थापित करके बातें करती थी। सच तो यह कि सब तुम्हारा कोई रहस्य मेरे लिए रहस्य नहीं रहा और तुम्हारा यह घिनौना खेल भी खत्म हुआ। भला इसी में कि अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हा, तुम्हें गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर, मेरा खेल इतनी सहजता से खत्म नहीं हो सकता। फिर यह क्यों भूलते हो कि इंस्पेक्टर की तुम स्वयं ही इस समय मेरी कैद में हो, अतः रिवॉल्वर फेंक दो और स्वयं को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगी। हा, किस दुनिया में विचर रही हैं आप मादाम हवा, तुम्हारे बहुत से सैनिक मेरे साथ मिल चुके हैं, बच्चों की चीरा फाड़ी करने वाले डॉक्टर भी मेरे साथ हैं और मैंने बहुत से बच्चों को सुरक्षित बाहर भी निकाल दिया है, बल्कि यूं कहोगे तुम्हारे इस तिलसम पर इस समय मेरा कब्जा है। भलाई सी में आगे चुपचाप स्वयं को मैं कानून के हवाले कर दो, वो मेरे साथी गद्दार साबित हुए। कहकर मादाम हवा ने पलक झपकते कुछ बटन दबाए और हा, खंडर के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा इंस्पेक्टर, तुम मुझे तो क्या मेरी परछाई को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, पर अपने गद्दार साथियों को सजा मैं अवश्य देती जाऊंगी। धड़ाओ, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना है, इसलिए फिलहाल इन दोनों मुजरिमों की ओर ध्यान न देना ही ठीक रहेगा। तुरंत बाहर निकलकर इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार को संकेत किया, कू कू चिं चिं। अगले पल हवलदार के संकेत भी हवा में गूंजने लगे। दूसरी तरफ रह चार और विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी थी। एक मोड़ पर इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार की मुलाकात हो गई। अचानक यह क्या हुआ सर, यह विस्फोट और धुआं, फिलहाल कुछ मत पूछो और चुपचाप मेरे साथ दौड़ते रहो। दोनों दौड़ते हुए प्रयोगशाला में पहुंचे। इंस्पेक्टर, हमने बच्चों और टीचर्स को एम्बुलेंस में बिठा दिया है, आपका ही इंतजार था, जल्दी कीजिए क्योंकि शीघ्र यह समस्त स्थान खंडर में परिवर्तित हो जाएगा। हवलदार वीर बहादुर, तुम ड्राइविंग सीट संभालो। वीर बहादुर ने गाड़ी की को प्रयोगशाला से निकालकर डॉक्टर की बताई दिशा में दौड़ा दिया। पागल औरत ने मेरी धमकी सच्चाई जाने बिना ही केवल अपने बचाव के लिए ही अपना सर्वनाश कर दिया, अपनी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ओ अचानक वो शैतान पक्षी, स्पीड बढ़ाओ वीर बहादुर, इनका हल है मेरे पास। इंस्पेक्टर, इस गैस के प्रभाव से पक्षी निश्चेष्ट हो जाएंगे। वैसा ही हुआ और सिगरी पहाड़ी गुफा से बाहर निकली उनकी गाड़ी, लेकिन उनके बाहर निकलते ही एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और चमनगढ़ की पहाड़ियां धुएं और धूल से गिर गई। हम ठीक समय पर बाहर निकल आए, वरना अगर एक क्षण की भी देरी हो जाती तो हम सभी कब्र भीतर ही बन जाती। दौड़ाओ, एक रहस्यमय षड्यंत्र का दुखद अंत है यह। उसी श्याम पुलिस हेडक्वार्टर में, माई गॉड कितना विचित्र ब्यौरा दिया है तुमने इंस्पेक्टर मनोज, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसानी जिस्म के विभिन्न अंगों की स्मगलिंग भी की जा सकती है। तो आपके बाजार में इंसान की जान की कीमत
सिखों में आती जाती है सर, यह सब दौलत की अवश्य के कारण हुआ है। विदेशों में मनुष्य के शरीर के अंग प्रत्यारोपण के बहुत सफल ऑपरेशन होते हैं कमिश्नर साहब। रईस लोग अपने व अपने बच्चों के शरीर के बेकार हो गए अंगों के स्थान पर नए एवं स्वस्थ अंगों का प्रत्यारोपण तो करवा लेते हैं, मगर कोई यह नहीं सोचता कि वह रोपण किए गए इंसानी अंग कहाँ से आते हैं। वह इसी प्रकार आते हैं कमिश्नर साहब, जीवित मनुष्य की हत्या कर उनके जिस्म से निकाल कर विदेशी हॉस्पिटल इन अंगों पर करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, मगर उससे दुगने वह वसूल करते हैं रईसों से उनके अंग प्रत्यारोपण करके। हे ईश्वर, दौलत कमाने का मोह इंसान को किस कदर हैवान बना डालता है। इंसान किस कदर है इंसानियत से गिर सक जाता है चांदी के चंद चंद सिक्कों को पाने के लिए। अच्छा एक बात और डॉक्टर अल्बर्ट, वह स्कूली बस किस प्रकार उड़ाई गई? दरअसल बस को उड़ाने से पहले अपराधी एक ऐसे बारूद का इस्तेमाल करते थे जिससे विस्फोट से हवा में गजब की तेजी आ जाती थी। वो लगता था कि जैसे भयानक बवंडर आ गया हो। ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए बहुत ही शक्तिशाली गरुड़ पक्षी जिसके पंजों में से बहुत ही महीन किंतु मजबूत तार बंधे होते थे जिन्हें आंखों से न देखा जा सकता था, उन तारों का फंदा उन्होंने बस के चारों तरफ फंसा दिया और उसे उड़ाकर ले गए। चूंकि गरुड़ पक्षी बहुत ऊंचाई पर थे इसलिए लोगों को दिखाई नहीं दिए और लोगों ने यही समझा कि भयानक तूफान ही उस बस को उड़ाकर ले गया है। बात समझ में आती है, कदाचित इसी प्रकार बाघों का अपहरण करने वाले व्यक्तियों को भी उस तार की सहायता से उड़ा लिया गया था। कदाचित विजय के कत्ल के लिए भी वह तार ही इस्तेमाल किया गया था। वह तेज रफ्तार से आया और जमीन के समानांतर थोड़ी ऊंचाई पर तार को पक्षी फैलाए बैठे थे जिनसे विजय का जिस्म टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है ना मेरा विचार डॉक्टर? आप बिल्कुल ठीक समझे इंस्पेक्टर मनोज। इसके बाद मादाम हवा की आवाज का रहस्य ही बचा है, वह आप लोग समझ ही चुके हैं। और शेरों का अपहरण क्यों किया गया? मात्र इसलिए कि बच्चों के शरीर से अंग निकाल लेने के बाद लाशों को बड़ी संख्या में बाहर फेंकने के रिस्क को खत्म कर सके। शेर उन्हें वहीं खाद डालते थे। मेरी बधाई स्वीकार करो इंस्पेक्टर मनोज, तुमने अपने अद्भुत साहस और विशिष्ट कार्य प्रणाली का परिचय देते हुए इस खतरनाक षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया। उसके लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा आभारी है। थैंक यू सर। लेकिन केस में डॉक्टर अल्बर्ट और जोसेफ ने भी मुझे काफी सहायता की है, इसलिए इन्हें सरकारी गवाह बना दिया जाए और इन्हें कम से कम सजा मिले, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया मजबूरी में किया। अपराधियों ने इन्हें नशे का शिकार बनाकर इस गुनाह के दलदल में धकेला था। ऐसा ही होगा इंस्पेक्टर मनोज, यह मेरा आश्वासन है। साथ ही डॉक्टरों का पूर्ण इलाज भी करवाया जाएगा ताकि नशे की लत से इन सब मनुष्यों को छुटकारा मिल सके। थैंक यू कमिश्नर साहब। इस प्रकार कातिल हवा का मौत के व्यापार का किस्सा समाप्त हो गया, मगर लोगों उन अपराधियों को काफी समय तक नहीं भुला सके जो कानून के शिकंजे से जिंदा बचकर निकल भागे। एक दिन सर क्या मेरी प्रमोशन नहीं होगी? मैंने भी मिशन पर आपके साथ अद्भुत साहस का परिचय दिया था। होनी तो चाहिए, मगर वीर बहादुर नाम के आगे इंस्पेक्टर कुछ जस्ता नहीं। हवलदार लगे तो ज्यादा वजनदार नाम मालूम पड़ता है। हवलदार वीर बहादुर सिंह, वाह क्या नाम है, हा क्यों है ना दोस्तों। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, काफी बड़ी कॉमिक्स थी, मैं थक गया पढ़ते पढ़ते। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।